यमुनानगर जिला सचिवालय के सामने विभिन्न कर्मचारी संगठनों के कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि इस हड़ताल में विभिन्न कर्मचारी एवं जन संगठन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने महंगाई रोकने, भ्रष्टाचार रोकने, बेरोजगारी दूर करने के बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद नोटबंदी, जीएसटी लागू कर दी, रेलवे को बेच दिया गया, सड़कें बेच दी गई, शिक्षा को भी बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान, मजदूर एवं कर्मचारी विरोधी है। सेवानिवृत्त अध्यापक संघ के अध्यक्ष जनरल सिंह सांगवान का कहना है कि कोरोना काल में देश को आत्मनिर्भर बनाए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन सच्चाई ये है कि कॉरपोरेट के लिए सारे साधन भेज दिए गए हैं। सरकार पूंजीपतियों से पैसा लेकर उनके लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज देश के किसी भी किसान को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, हम उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि हम भी किसी न किसी रूप से किसानों से जुड़े हुए हैं। सरकार 3 बिल लाकर किसानों को तबाह करने पर तुली हुई है। यमुनानगर से न्यूज वन हरियाणा के लिए हरीश कोहली की रिपोर्ट। ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आज पूरे देश के कर्मचारी मजदूर हड़ताल पर हैं। यमुनानगर में भी हम यहां पर इंटक, आईटक, सीटू, सर्व कर्मचारी संघ, रिटायर्ड कर्मचारी संघ और बहुत से जन संगठन इसमें हड़ताल में शामिल हैं। ये हड़ताल वास्तव में जो केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उन नीतियों के विरोध में है। केंद्र सरकार जो वर्तमान में जो मौजूदा है, इन्होंने वायदे किए थे, रोजगार का वायदा किया था, ये जो महंगाई रोकने का वायदा किया था, भ्रष्टाचार रोकने का वायदा किया था, इन्होंने कहा था कि ये जो बेरोजगारी है इसको हम दूर करेंगे, नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं ये, वो शिक्षा नीति किसके लिए। तो हमारा ये कहना है कि केंद्र सरकार जब से बीजेपी सरकार आई है, चाहे वो पहली टर्म थे, पहली टर्म में लोगों ने कुछ उम्मीद जची थी कि कुछ करेंगे, और अब दूसरी टर्म में भी जो इन्होंने वायदे किए थे, वास्तव में इनके सारे वायदे जो थे वो जुमले साबित हुए हैं। अभी इन्होंने जो भी नीतियां लागू की हैं, पहली नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर जो और भी जो इन्होंने नीतियां लेके आए हैं, वो सारे की सारी देश विरोधी, जन विरोधी हैं, कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी और मजदूर विरोधी हैं। आज कौन कौन से संगठन यहाँ पर आपके साथ? आज यहाँ पर रोडवेज, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर पालिका और ये हमारे जो सीटू से संबंधित है, भवन निर्माण, मिड डे मील, आशा वर्कर, पब्लिक हेल्थ और ये हमारे बैंक एम्प्लॉयज और स्वास्थ्य विभाग और ये जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो भी इसमें शामिल, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, ये सारे शामिल हैं इसमें।